सब्सक्राइब कीजिए टेलरिंग इन हिंदी चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा पीछे का पल्ला है। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे, वो लेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे कैंची का निशान लगा देंगे। अब हम गले की लंबाई लेंगे, वो लेंगे 11 इंच की। ये हमने गले का शेप दिया है। अब हम इसके ऊपर अस्तर रख के इसको अंडरग्राउंड कर देंगे। यहाँ पे हम सुई लगा देंगे जिससे हमारी डिजाइन बराबर रहे। अब हम ये अंदर का कपड़ा काट लेंगे। अब हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके भी सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा अस्तर अंदर के लिए पैक हो जाए। यहाँ पे 4 इंच पे हम प्लेट डालेंगे। प्लेट का निशान हमने लगा लिया है। हम डिजाइन बनने के बाद प्लेट डालेंगे। अगर हम पहले प्लेट डाल देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारा ये अंदर का जो कपड़ा कटा हुआ था इसका हम बुकरम का काटेंगे। ये हमने यहाँ पे गोलाई दी है, वहाँ से हमने 1 इंच ज़्यादा काटा है। 1 इंच हमारा यहाँ पे ज़्यादा है। ये हमने पैटर्न निकाला है। अब हम दूसरा गला काटेंगे, वो 8 इंच लंबा काटेंगे। यहाँ से 8 इंच बुकरम लंबी लेंगे। अब हम ये गोल्डन कपड़ा इसके ऊपर पैक करेंगे। इसका हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। हमारी जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे हम कैंची का
कट लगा लूंगी। ये हमने पैटर्न तैयार किया है गले के लिए। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए अंदर हम ये धागे को दबा देंगे। अब हम इसके नीचे एक पाइपिंग दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हम ये पैटर्न पे कपड़ा चढ़ाएंगे। ये हमारा निशान है, यहाँ पे हम गोलाई देंगे। अब हमारा जो गले में से कपड़ा बचा हुआ था इसके ऊपर हम कपड़ा, हमारा ये छोटा है तो इसलिए हम इसे काटेंगे। अब हम ये गले पे पाइपिंग लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की साइड से लगाएंगे तरीके से। इस तरीके से हमें पहले इस पे हम कच्ची करेंगे अच्छी तरीके से इसको हम सेट करेंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम काट लें। ये हमारी गोलाई यहाँ तक ही है तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से ये लेस को लगाएंगे।
ये बन गई ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।